पहला प्रश्न है दोस्तों, दिया है कि यदि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री हो तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। लिखना क्या है कि x अपॉन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ठीक है दोस्तों। अब उससे नीचे से क्या करते हैं कि x कॉमन भी दिख रहा होगा, तो नीचे से x जब हम कॉमन ले रहे होंगे क्या बचेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो बच रहा होता x, बच रहा होता है यहाँ पे, बच रहा होता टू प्लस वन अपॉन एक्स और यहाँ पे इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा होगा, वन बच रहा होगा और थ्री से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं थ्री का, तो थ्री यहाँ पे आ रहा होता एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों। तो टू को इधर भेज रहे होते तो आता एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ये आ रहा है। फिर उसके बाद दोनों साइड का क्या करते, क्यूब कर देते, क्योंकि हमें पता करना है दोस्तों, क्या पता करना है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा ये पता करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब करेंगे दोनों साइड का, वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस पाँच का क्यूब, तो आ क्या रहा होगा, कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स टू थ्री, ए बी ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 125, ठीक है दोस्तों। ये थ्री, ये एक्स से एक्स कट रहा होगा, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, एक्स एक्स कट रहा होगा, तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कहाँ पे, फाइव दिया हुआ है, ये ठीक है दोस्तों, फाइव दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125, ठीक है दोस्तों, 125। तो क्या कर रहे होंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर 15 आया, 15 को उधर भेज रहे होंगे, 125 माइनस 15 कितना आया दोस्तों, 125 माइनस 15 घटा रहे होंगे तो 110 आ रहा होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, कितना आया, 110। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10, 1/10, सॉरी 110, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।